हेलो दोस्तों, मैं आपका पसवैया, सभी दोस्तों को राम राम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 12 में आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो हमने पिछली वीडियो में जो इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे वो लिखाए थे, और सेकंड वीडियो थी उसमें हमने जो फॉर्मूले थे वो प्रूव किए थे, ठीक है। आज हम उसके जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, टू प्रूफ सिद्ध करना है, 3 sin inverse x = sin inverse 3 * 3x - 4x³। दोस्तों, चाहे तो LHS से RHS लेके आए, चाहे RHS से LHS लेके आए, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस पे RHS से करता हूँ, ठीक है, RHS से करता हूँ, sin inverse 3x - 4x³, ठीक है दोस्तों। यहां पर मैं x बराबर sin थीटा मान लेता हूं, x बराबर क्या मान लेता हूं, sin थीटा। x बराबर sin थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x, ठीक है। तो sin इनवर्स x बराबर sin थीटा, जब x बराबर sin थीटा है तो sin को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। अभी तो ये साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, जब हम इसे इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा, इनवर्स में। तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना, तो वही बात हो जाएगी, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स 3, अब एक्स की जगह क्या माना हमने, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। एक्स था वहां साइन थीटा रख लिया है, साइन इनवर्स दोस्तों 3 sin θ - 4 sin³θ = क्या होता है, sin³θ, क्या होता है, sin³θ। तो सेट जाएगा, क्या बचेगा, 3θ 3, और थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, sin इनवर्स x। देखो यही प्रूव करवा रहे थे, इसके बराबर ये, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन। अभी मैंने जो पहले क्वेश्चन किया है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा शायद, मुझे उम्मीद है, इसको आप नोट जरूर करते जाना, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो में क्या है, देखो दोस्तों नोट जरूर करते जाना। पहला क्वेश्चन हो गया कंटिन्यूअस में प्रत्येक एक्सरसाइज से प्रत्येक क्वेश्चन कराओ, इसको आप नोट करते जाए, इसे एक बढ़िया सी नोटबुक में जरूर उतार ले, एक नोटबुक अच्छी बना लेना जो कि आपके पेपर जब हो उस टाइम पर काम हो, जब पेपर होंगे उस टाइम पर आप बस ये नोटबुक देख ले जाना, बस उसी से काम हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 3 cos inverse x = cos inverse 4x³ - 3x। देखो दोस्तों, इससे ये सिद्ध करना है या इससे ये करना है, ठीक है। मैं RHS से आता हूं, cos inverse 4x³ - 3x। दोस्तों वहां sin इनवर्स था तो sin थीटा माना था, अब यहां x बराबर cos थीटा मानते हैं, क्या मानते हैं, cos थीटा। तो x बराबर cos थीटा मानेंगे तो जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos है ना, ये इधर हो जाएगा इनवर्स में, किसमें आ जाएगा, इनवर्स में। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, देखिए cos इनवर्स, अब 4 x का माना cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cos³θ - 3x = cos थीटा, ठीक है दोस्तों। cos इनवर्स 4 cos³θ - 3 cos θ, ये होता है cos³θ, क्या बचेगा, 3θ 3, और थीटा की जगह क्या रख देंगे, cos इनवर्स x। देखो यही सिद्ध करवा, ठीक है दोस्तों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो पहले क्वेश्चन था वही था, वहां बस sin 3θ का सूत्र बना था, ये cos 3θ, 4 cos³θ - 3 cos θ, ये होता है cos 3θ, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन 2 हो गया,
समझ में आ गया होगा, नोट जरूर कर लेना रफ में, अभी प्रेजेंट टाइम में आप रफ में कर लेना, उसके बाद फेयर में जरूर कर लेना। अगर आपकी समझ में आ रहे हो क्वेश्चन तो लाइक जरूर करें और कमेंट कमेंट बिल्कुल विशेष ध्यान रखें दोस्तों, कमेंट अवश्य करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, दो हो गए एक्सरसाइज का, प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा प्रत्येक, कृपया करके नोट जरूर करें जिससे कि आप पीछे उसका रिवीजन कर सकें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, सिद्ध करना है टेन इनवर्स 1/2। देखो दोस्तों, अभी पिछली वीडियो में मैंने सूत्रों में लिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एक बार सूत्र लिख देता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। देखो यही काम कर रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। देखिए तो tan इनवर्स प्रूव करना है दोस्तों, तो tan इनवर्स ऊपर है x प्लस y, अभी x ये है और y ये है, भाई tan इनवर्स x, x 2/11 हो गया प्लस tan इनवर्स y, y क्या हुआ 7/24, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुणा y, ठीक है दोस्तों, tan इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, अभी इसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, 24 × 48 प्लस 11 × 7 = 77 बनाना, 60 × 14 24 × 11 बाद में कर लेंगे। अब देखिए tan इनवर्स इसको इसको जोड़ लो, 7 और 8 = 15, 7 × 4 = 12 बटे 11 × 44 4 × 11 = 22 22 × 4 = 26, ठीक है दोस्तों, मतलब इसका मल्टीप्लाई 264 हो रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई 264 हुआ और 264 × 264 और 264 में से 14 आएगी तो कितना बचे 250, 250 / 264, ठीक है 264 से 264 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, tan इनवर्स 125 / 250, 125 × 125 × 250, तो tan इनवर्स 1/2। देखिए दोस्तों ये सिद्ध करवा रहा है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3, आपकी समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, अगर आपकी समझ में आया हो तो नोट करें तुरंत तुरंत, लाइक करें और कमेंट कमेंट का विशेष ध्यान रखें और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों, आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करोगे, हम आपकी सपोर्ट में तत्पर रहेंगे विद इन 24 hours × 7, ठीक है दोस्तों, तो आप लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें, और आज के लिए एक्सरसाइज 2.1 में 3 क्वेश्चन कराए वो जो कि आपके समझ में आ गए होंगे, आपने नोट कर लेना, आगे की वीडियो में कंटिन्यूस में 3 क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन पे ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा आप अपनी मेहनत को तेजी से कर दें क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, रिविजन करें मेहनत करें, माँ बाप के जो सपने हैं उनको साकार करें। जय हिंद जय भारत।